अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जाकिर आपके साथ इस टाइम हम मौजूद है बहरिया टाउन कराची में और ज़बरदस्त किस्म की हाइटेड लोकेशन पे। एज़ यूजुअल मैं कहता हूँ कि मैं आपको लेके आऊँ एक खूबसूरत लोकेशन पे, तो मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सराउंडिंग देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन पे इस टाइम हम मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची की। और ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ग्रीनरी आप देख सकते हैं बहरिया टाउन ने, हर जगह पर ग्रीनरी ग्रीनरी की हुई है। और बहरिया टाउन को आप देखेंगे तो इस तरह लगेगा जैसे कि आप इस्लामाबाद में या किसी और हाइटेड वाले इलाके में, जो कि नारायण कागान इस तरह के जो इलाके होते हैं जहाँ पर ग्रीनरी का लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है, स्पेशली इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। इसी तरह बहरिया टाउन कराची ने भी तैयार कर रखा है कि पूरे बहरिया टाउन को ग्रीन करके रखेंगे और उसके ऊपर बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलें चलते हैं, हम बात करते हैं अपने इस विला की, जो विला मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये आप देख सकते हैं 286 स्क्वायर यार्ड्स का विला है, सिंगल बेल्ट का विला है, रोड कैटेगरी का विला है, डिज़ाइनर विला है, खूबसूरत लोकेशन पे खूबसूरत घर बना हुआ है। और यकीन कीजिए जब देखेंगे तो आप यकीनन एक दफ़ा कहेंगे जाकिर भाई इसका विज़िट तो ज़रूर कराएं। तो चले चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसके अंदर से विज़िट कराता हूँ, आइए। और ये आप देख सकते हैं आपको माशाल्लाह से यहाँ पर एक आपको आउटसाइड का अच्छा खूबसूरत गार्डन मिलता है। और एलिवेशन आप देख सकते हैं, खूबसूरत एलिवेशन इसकी। और ये आपका कार पोर्च का एरिया जो आउटसाइड आप कार पार्क कर सकते हैं, एक यहाँ और ये आपका मेन कार पोर्च का एरिया, ये आप देख सकते हैं बड़ा कार पोर्च का एरिया। और इसी के साथ आप आए राइट के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं एक खूबसूरत, यहाँ पर भी आप अपने मर्जी से ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसी के साथ ये साइट की जो सर्विस लाइन है, एस पर SOP बहरिया टाउन कराची आपको ये छोड़नी पड़ती है। चले चलते हैं, मैं आपको इसके पीछे से भी विजिट कराता हूँ, आइए। और आपने साथ जुड़े रहना है, आखिर तक मेरी वीडियो को देखना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बहरिया टाउन कराची से आपको मिलती रहे, आइए प्लीज। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत छोटा सा ड्राइंग डिजाइन का काम यहाँ हुआ हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये किचन से बाहर आने का दरवाज़ा है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं आपको पीछे बैक साइड के एरिया में, यहाँ पर आपको सर्वेंट रूम भी मिलता है, ये वॉशिंग एरिया है पूरा, और साथ ही ये सर्वेंट रूम है, ये आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डिसेंट सा सर्वेंट रूम। और सर्वेंट रूम के अंदर भी आपको जो है ना अटैच बाथ मिलता है, ये अटैच बाथ का आप दरवाज़ा देख सकते हैं लेफ्ट के ऊपर, ये अटैच बाथ है सर्वेंट रूम के साथ। और चले चलते हैं, मैं आपको मज़ीद इसका विज़िट कराता हूँ, आपको ये विला पसंद आएगा और आपने जुड़े रहना है साथ, आइए प्लीज़। और ये ले जी, अब हम इंटर हो रहे हैं, मेन एंट्रेंस के ऊपर हम मौजूद हैं। इधर से आइए, ज़रा दिखाइएगा कैमरे में पूरा दरवाज़ा, ये सॉलिड वुड का दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं सॉलिड वुड है, ये कोई इसके अंदर गत्ता या कोई शीट लासानी वगैरह नहीं है, ये सॉलिड वुड का दरवाज़ा है। और इसके आप हार्डवेयर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से, ये आप देखिए, आइए ज़रा आप करीब से आके दिखाएं ये हार्डवेयर और ये दरवाज़ा, ताकि देखने वालों को नजर आए कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। और इसका ये फ्लोर आप देख सकते हैं, खूबसूरत फ्लोर आपको वेलकम करता है। और ये छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का फॉल सीलिंग का काम हुआ है। और साथ ही मैं आपको दिखाऊँ इसका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम देख सकते हैं आप, खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्राइंग रूम। और साथ में आप देखें माशाल्लाह से लाइटिंग का काम, यहाँ पर आपको शोपीस रखने के लिए खूबसूरत वुड का काम हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और एक बड़ी वाइडर साइड की विंडो आपको मिलती है, और इसी तरह इस राइट कॉर्नर पे भी आपको सेम उसी तरह आपको मिलता है। ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, ये घर के चार चांद बढ़ा देती है ये लाइटें, ये आप देखें खूबसूरत लाइट्स आपको चार चांद बढ़ा देती है आपके घर की। तो चलें चलते हैं, आपको मज़ीद विजिट कराते हैं। और ये सामने आपको सॉलिड वुड के डोर मिलते हैं, वुड प्लस ग्लास। और इस घर के अंदर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको देखिए माशाल्लाह से एक अच्छा खूबसूरत, और जब ये शावर इसका ऑन होता है तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको ये एक व्यू पेश करता है माशाल्लाह से। और ये माशाल्लाह एक बड़ी विंडो आपको मिलती है, और ये सामने आपके शोपीस रखने के लिए खूबसूरत वुड का काम हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये इसका वुड का फ्लोर, चलें चलते हैं आपको मज़ीद इसका विज़िट कराता हूँ। आज की वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, ये डिज़ाइनर विला है,
286 स्क्वायर यार्ड्स का विला है, बेरिया टाउन कराची, प्रिसेंट 8 रोड का विला है। अभी आप देख सकते हैं खूबसूरत आपको इसका व्यू। और ये इसका आफ्टर ड्राइंग रूम, आपका मेन एंट्रेंस जो कॉमन में आपको लेके जाता है। और ये कॉमन में अब हम आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत आपको यहाँ पर मीडिया वॉल मिलता है। और मीडिया वॉल के साथ ही आपको मैं इसे सीलिंग दिखाऊंगा और लाइटिंग सिस्टम दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा सीलिंग का काम हुआ है, अच्छा लाइटिंग सिस्टम का काम हुआ है। और ये इसकी बड़ी वाइडर साइज की विंडो आपको मिलती है कॉमन के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ आपके घर के चार चांद लगा देती है। चले चलते हैं इसका बेडरूम को आपको विजिट कराता हूँ। बेडरूम भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ से भी आपको इसका खूबसूरत व्यू कराता हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल ऊपर तक आपको इस तरह मिलता है। ऊपर टॉप पे ग्लास है ताकि आपको सनसेट जो है ना वो बल्कि सनसेट वो सनलाइट जो है आपको मिलती रहे। बड़े खूबसूरत ये फाउंटेन अभी चूँकि बंद किया हुआ है और ये चलता बड़ा खूबसूरत लुक देता है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े साइज की वार्डरोब आपको मिलती हैं ये बेडरूम के अंदर। ये बेडरूम का फ्लोर आप देख सकते हैं और इसके साथ इसके जो अटैच बाथ ये आप देख सकते हैं खूबसूरत अटैच बाथ। और ये देखें आप वैनिटी जो है सारी ग्रोही की लगी हुई है इसके अंदर। और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं खूबसूरत कमोट एरिया, बहुत ही खूबसूरत कमोट एरिया। और ये शावर आप देख सकते हैं खूबसूरत शावर एरिया। आप चाहे तो गिलास लगा लें इसको कवर कर लें, चाहे तो ओपन रहने दें। चलें चलते हैं मज़ीद आपको विजिट कराता हूँ इसके नीचे के फ्लोर का दूसरा बेडरूम, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएगा। और इसी के साथ ये दूसरा बेडरूम है, आप देख सकते हैं एक बेडरूम लेफ्ट पे, एक राइट पे और इसके साथ ही किचन। चलें पहले बेडरूम का विजिट करते हैं फिर आपको किचन का विजिट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बेडरूम और बड़े ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, वुड का काम हुआ है सामने ताकि आपका बेड सेंटर में आए और साइडों में आपको खूबसूरत व्यू मिले। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से और माशाल्लाह से कबर्ड से साइज़ आप देखें यहाँ पर, ये ऊपर छत से लेकर आपको नीचे फ्लोर तक आपको ये कबर्ड्स मिलती हैं। और इसी के साथ एक बड़ी साइज़ की आपको विंडो मिलती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इसका वॉशरूम देखें, आपको वॉशरूम भी पसंद आएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी वैनिटी ये आप देख सकते हैं खूबसूरत। और ये इसका कमोड एरिया और ये इसका सेपरेट शावर एरिया। और ये हैंगर वॉल के ऊपर आपको लगवा मिलेगा। चलें चलते हैं आपको मज़ीद इसका विजिट कराता हूँ। इंशाल्लाह ये घर आपको ज़रूर पसंद आएगा। 286 स्क्वायर यार्ड से विला, सिंगल बेल्ट का विला है, प्रिसेंट 8 के अंदर है, रोड का विला है। और ये इसका किचन है, गेटेड किचन है, खूबसूरत वुड एंड ग्लास के ऊपर ये काम हुआ है इस दरवाजे के ऊपर। और ये इसका किचन आप नीचे देख सकते हैं सारे वार्डरोब्स, आपका ये कैबिनेट्स यहाँ पर सारे आपको मिलते हैं। फ्लोर आप देखें, फ्लोर माशाल्लाह से खूबसूरत फ्लोर। और ये ऊपर का स्पेस ये आप देख सकते हैं और चूल्हा बिल्कुल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत। और इसके साथ ये इसकी चिमनी और ये सामने आपको एक एडिशनल स्पेस मिलता है, आप यहाँ पर अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है ना माइक्रोवेव ओवन
इस तरह की चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। चलें चलते हैं, आपको मज़ीद इसका विज़िट कराता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आएगा। चलें चलते हैं, आपको ऊपर के फ्लोर का विज़िट कराता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत ऊपर छत पर काम हुआ हुआ। व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर विला है जो आज आपको मैं विज़िट करा रहा हूँ। दो बेडरूम नीचे हैं, तीन बेडरूम ऊपर हैं, और ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको नीचे से इसका विज़िट कराया था, इसी तरह आपको यहाँ पर भी इसका अच्छा खासा खूबसूरत व्यू आपको मिलता है। और ये इसके ऊपर का कॉमन के लिए, अब हम कॉमन प्लेस पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत आपको ये कॉमन का एरिया मिलता है। मीडिया वॉल बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मीडिया वॉल। और इसी के साथ ये सामने आपको किचन मिलता है, ओपन किचन, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पेस मौजूद है फ्रिज वगैरह रखने के लिए। और बड़े साइज़ की विंडो आपको इसमें मिलती है, वाइट एंड ब्राउनिश या आप थोड़ा सा क्रीमी टाइप का फ्लोर देख सकते हैं ये। और ये इसका मास्टर बेडरूम है जिसका मैं आपको विज़िट कराऊंगा। ये इसका मास्टर बेडरूम है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खूबसूरत मास्टर बेडरूम। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत व्यू। ये आप देखते हैं खूबसूरत व्यू, और जब फ्लोर का वुड फ्लोर देखें आप माशाल्लाह से, और यह वुड का काम देखें खूबसूरत वुड का काम। इस तरफ भी आपको सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह मिलता है, आपको कबर्ड्स मिलते हैं, और ये आप देख सकें। और ये इसका बैक साइड का एरिया जिसमें सिंगल बेड कहता हूँ। चलें चलते हैं, इसके अटैच बाथ का आपको विज़िट कराता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। नहीं जी, अब हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम में। इसका ये आप देख सकते हैं वैनिटरी एरिया खूबसूरत। और ये शावर एरिया, ये आप देखें शावर एरिया, इसका खूबसूरत शावर एरिया। और इसी के साथ ये जकूजी आप देख सकते हैं, और ये आपका कमोड प्लेस ये आप देख सकते हैं। और इसके भी आपको कैबिनेट जी भी ऊपर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये मास्टर बेड के साथ मास्टर वॉश हो। चलें चलते हैं, आपको मज़ीद इसका विज़िट कराता हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इसका कॉमन का अगेन, और ये साथ इसका दूसरा बेडरूम ऊपर के फ्लोर का। ये बड़ी साइज की विंडो इसके अंदर मिलती है, और ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता है, छत पे मार्बल लगी हुई है। और इसका मैं अटैच बात आपको दिखाता हूँ, जो आप देख सकते हैं अटैच बात इसका। अच्छा, अटैच बात के अंदर आपको पूरी वॉलरूम मिलती है, ये देख सकते हैं। चलें चलते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। जिसका तीसरा बेडरूम में अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जिसका तीसरा बेडरूम जो फ्रंट साइड इसका व्यू मिलता है, और इसी के अंदर आप देख सकते हैं कबर्ड्स आपको मिलती हैं पूरी कंप्लीट। और ये चलते हैं इसके अटैच बाथ का आपको विजिट कराता हूँ, आपको अटैच बाथ भी बहुत पसंद आएगा इसका। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत शावर एरिया, और इसका ये कमोड एरिया, और साथ ही इसकी वैनिट्री आप देख सकते हैं खूबसूरत।
दरवाज़ा चेक करें, पूरे घर के दरवाजे आपको सॉलिड वुड के मिलते हैं, वो ग्रोही का सारा काम हुआ है, काम के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और खूबसूरत घर बनाया, बेहतरीन डिज़ाइन ड्राइंग का। चलें चलते हैं, आपको इसका टेरेस का व्यू कराता हूँ, जो पूरे घर की जान होती है, जैसे मैं कहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हम टेरेस में आ चुके हैं, ये खूबसूरत टेरेस और खूबसूरत व्यू टेरेस का, और टेरेस से बाहर का खूबसूरत व्यू। और ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद। व्यूअर्स, आज की वीडियो मैंने जो आपके साथ अभी शेयर किया, यह विला मैंने आपको दिखाया, इसको विजिट कराया, यकीन नहीं आपको पसंद आया होगा। ये खूबसूरत डिजाइनर विला है, बहरिया टाउन कराची में रोड का विला है, 286 स्क्वायर यार्ड्स का विला, और इसकी डिमांड प्राइस है वो भी बड़ी मुनासिब है, 3,90,00,000 रुपये की डिमांड है। मुझे उम्मीद है ये डिमांड भी आपको इंतहाई मुनासिब इंशाल्लाह मिल रही है, और इसके ऊपर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की भी गुंजाइश मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।